मालती और वीना पड़ोसन थी। मालती अमीर थी, इसलिए वो अपने बेटे समीर की हर इच्छा पूरी कर देती थी। वीना के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए वो घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। कुछ समय से उसके 2 घर बंधे हुए थे, वो छूट गए। इसी कारण वीना को पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। इस वजह से उसका बेटा रजत भी उदास रहने लगा था। एक दिन, ये देख समीर, मेरी मम्मी ने मुझे कितनी बढ़िया आइसक्रीम खरीद कर दी। गर्मियों में इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। समीर को आइसक्रीम खाता देख रजत का भी मन आइसक्रीम खाने का होता है। वो अपनी माँ से जाकर आइसक्रीम खरीदने की बात कहता है। रजत बेटा, तू तो जानता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुझे आइसक्रीम खरीद कर दे सकूं। अभी कुछ दिन रुक जा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुझे खुद ही खरीद कर दे दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब मैं आइसक्रीम खा लूंगा। रजत की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वीना उदास हो गई थी। अगली सुबह वीना मंदिर जाती है और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए रो पड़ती है। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है, मेरे बच्चे ने आइसक्रीम खाने की इच्छा की और मैं उसे पूरा नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रजत को आइसक्रीम खरीद कर दे सकूं। वीना भी पीपल के वृक्ष के सामने खड़ी रो ही रही थी कि तभी वृक्ष देवता प्रकट होते हैं। वीना, मैंने तुम्हारा सारा दुख जान लिया है, तुम चिंता मत करो। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना तो मेरा कर्तव्य है। मैं वृक्ष हूँ, मैंने सदैव निस्वार्थ देना सीखा है। ये लो, ये बीज ले जाकर अपने घर के आंगन की मिट्टी में बो देना। अगले दिन इन बीजों से आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे। क्या सच वृक्ष देवता? ये देखकर तो रजत खुशी से झूम उठेगा। आइसक्रीम के बीज देखकर वीना खुश हो जाती है और घर जाकर अपने घर के आंगन की मिट्टी में आइसक्रीम के बीज बो देती है। तभी रजत समीर के साथ वहाँ जाता है। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ आइसक्रीम के पेड़ के बीज बो रही हूँ। हमारे पास कल तक आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे और उन पर ढेर सारी आइसक्रीम होंगी। माँ, सचमुच ऐसा होगा? फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। समीर, एक आइसक्रीम तुम भी खा लेना। नहीं, हम उसमें से एक भी आइसक्रीम इस समीर को नहीं देंगे। ये भी तो तुम्हें अपनी कोई चीज नहीं देता। समीर वहाँ से चला जाता है और वीना सारी रात आइसक्रीम के पेड़ के बारे में सोचती रहती है। कहीं ना कहीं रजत गहरी बात कह गया। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर देखती हूँ मुझे कौन गरीब कहता है। अब मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे वाली बन जाऊंगी और उस मालती और उसके बेटे समीर को तो मैं एक आइसक्रीम भी नहीं दूंगी। वीना के मन में लालच पैदा हो गया था। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक भी आइसक्रीम का पेड़ नहीं उगा है। वो घबरा जाती है और वृक्ष देवता के पास जाती है। वृक्ष देवता, आप तो कह रहे थे कि मेरे आंगन में इन बीजों को बोने से आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम ये बीज दोबारा ले जाओ और इन्हें फिर से अपने आंगन की मिट्टी में बो दो। वीना फिर से आंगन की मिट्टी में वो बीज बो देती है। मुझे तो लगता है उस मालती और उसके बेटे समीर की नजर लग गई होगी। इन बीजों को अभी दोबारा से बो देती हूँ। अब की बार जरूर आइसक्रीम के पेड़ उगाएंगे। पर इस बार भी आइसक्रीम के पेड़ नहीं उगते। अब वीना गुस्से में वृक्ष देवता के पास जाती है। वृक्ष देवता, आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने 2 बार मुझे वो बीज दिए पर एक भी आइसक्रीम का पेड़ नहीं उगा। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तो तुम्हारी सहायता की थी ताकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सको। मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि अगर पेड़ पर आइसक्रीम लगेगी तो मैं उन आइसक्रीम को बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी, घरों में काम करना छोड़ दूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने लालच किया और लालच इंसान का सब कुछ खत्म कर देता है। मैंने तुम्हें ये बीज तुम्हारे बेटे के लिए उसकी आइसक्रीम खाने की इच्छा से दिए थे, पर तुमने उन आइसक्रीम को बेचकर कमाने के बारे में सोचा, इसलिए आइसक्रीम के पेड़ नहीं उगे। साथ ही साथ तुमने ईर्ष्या की भावना भी रखी। हमें कभी किसी से भी ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। अब तुम फिर से ये बीज लेकर जाओ
और दृढ़ निश्चय के साथ अपने बेटे के लिए कामना करके इन बीजों को बोना, फिर इन बीजों से उगे पेड़ तुम्हें आइसक्रीम जरूर देंगे। वीना को वृक्ष देवता की बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वीना घर जाकर फिर से उन बीजों को बो देती है। इस बार वो अपने मन में लालच का कोई भी विचार नहीं आने देती और अगले दिन जब रजत सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। आंगन में बहुत सारे आइसक्रीम के पेड़ लगे थे और उन पर आइसक्रीम लदी हुई थी। वहां से गुजरते कुछ गरीब बच्चे उन आइसक्रीम को देख रहे थे। माँ देखो, हमारे आंगन में कितने सारे आइसक्रीम के पेड़ हैं और इन पर बहुत सारी आइसक्रीम लगी हुई हैं। हाँ सच में, ये तो बहुत सारी आइसक्रीम है। आओ बच्चों, तुम लोग भी खाओ। रजत, सब बच्चों को आइसक्रीम बांट दो। समीर, तुम दूर क्यों खड़े हो? तुम तो रजत के दोस्त हो, तुम भी आइसक्रीम खाओ। और ये लो, ये आइसक्रीम अपने मम्मी पापा के लिए भी ले जाओ। सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। उस दिन के बाद वीना जब भी रजत के कहने पर आइसक्रीम उगाती तो गरीब बच्चों को भी बांट देती थी। वीना को पता चल गया था कि जो खुशी बांट कर खाने में मिलती है उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। माला और सरजू कई सालों से गांव के अमीर सेठ जयकिशन के यहाँ काम करते थे। सरजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और माला उसके घर के सारे कामकाज। सरजू और माला के दो बच्चे भी थे, बिंदिया और शिवा। सरजू और माला जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी सरिता उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। माला, अरे माला कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी। जी जी मालकिन, बताइए। क्या बताऊं? एक घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास, शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे इसीलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे, चल जल्दी कर। माला बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक एक मिनट, वो वाला हार तू मत छू, से मैं ही उठाती हूँ। सरिता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरों का हार था। उस हार की चमक देखकर माला ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है, आप बैठिए मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो गया तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने, तुझे दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी ही देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो की खान में काम करते थे, बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे ही बहुत देर हो गई है। माला चुपचाप सरिता को तैयार करने लगती है। ये सरिता की आदत थी, उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर माला के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना माला के बस से बाहर था। दूसरी तरफ माला को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था, पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सरिता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और माला सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर सरजू ने उससे पूछा, क्या हुआ माला, आज क्या दिखा कर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती माला, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसा ही हीरो का हार जैसा मालकिन पहनकर गई है पार्टी में। माला ये क्या कह रही है तू, इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में, सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? माला की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपना खाली कटोरा माला की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर माला घर के अंदर जाती है
और कुछ ही देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती हैं और फिर उससे कहती हैं, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकाल कर माला को देती है और कहती, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझ कर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। माला अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को सरजू के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है और न ही कुछ और जो वो अम्मा मुझसे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है तो इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। माला ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास, वहां जाकर वो उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं जिन्हें देखकर बिंदिया माला से कहती है, माँ देखो ना घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं, उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। माला तुरंत जाकर देखती है, वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की। अरे हाँ रे बिंदिया, ये तो वही जगह है जहाँ मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए बीज दबाए थे, लगता है उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है, इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से माला उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सरजू माला से कहता है, माला ये पौधा तो टूट गया लेकिन इसकी जड़ अभी भी ठीक है, ऐसा करता हूँ इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ, वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। सरजू जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। माला ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोले, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है माला, अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है, ये असली हीरे ही है। अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात, सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। माला और सरजू बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरो से भरी पड़ी थी। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरों की खेती करने लगे। माला और सरजू के दिन फिर गए थे। उन हीरो ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब माला सारा दिन गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। माला को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी लेकिन अधूरी। अब सरिता की तरह माला को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में, अरे सरिता कैसी हो, वैसे दिख तो गरीब ही रही हो, तुम्हारा ये हार कितना फीका है, मेरे हार की चमक के सामने तो ये कुछ भी नहीं। सरिता बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। माला की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरों के खेत थे जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। फिर एक दिन, माँ माँ जल्दी चलो माँ, देखो शिवा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। माला भागती हुई शिवा के पास पहुंची। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर माला ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यही रखी थी, पता नहीं कब शिवा बाबा ने ये हीरा निकाल लिया। ये तो साफ था कि शिवा ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीप से लगा लिया था जिससे वो बेहोश हो गया। सरजू शिवा को तुरंत अस्पताल लेकर भागा। देखिए हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी हालत नाजुक है, अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे माला के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे हीरों से नफरत सी होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरों के सारे गहने उतार कर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं। माला मंदिर की दहलीज पर सिर रख कर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे। माला बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक है जब तक वो पूरी ना हो जाए। लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज माला को देकर वहां से चली गई। माला ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस शिवा के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते शिवा को होश आ गया, वो अब बिल्कुल ठीक था। माला बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरों के खेत नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत उसके पास था, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।